डिजाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 फीट बाई 15 फीट में ये प्लान बना हुआ है, जो कि 150 स्क्वायर फीट में होगा। 16 गज में ये प्लान बना हुआ है। साउथ डिजाइन से आप 125, 150, 200 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा घर है लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके वेंटिलेशन, डायमेंशन, इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही घर बनवाने की सोच रहे हैं तो हमें कॉन्टैक्ट वगैरह कर पाएंगे इजली इंस्टाग्राम पर, जिसमें इजली आप मैसेज वगैरह कर पाएंगे। अब इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 10 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 15 फीट की होगी। इस साइड अपना प्लांटेशन वगैरह कर पाएंगे। इस साइड आपको 2-3 स्टेप मिलेगा। स्टेप से एंट्रू दी काफड़ा आपको ये मेन गेट मिलेगा, जो कि हमने 4.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया। इसी गेट से एंट्रू दी काफड़ा आपको ये पार्किंग एरिया मिलेगा। अब इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड आपके बाइक्स वगैरह इजली पार्क कर पाएंगे। इस साइड अपने सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इजली बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। इस साइड आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किए। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 1.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 10 फीट की होगी। जो कि इसमें फर्स्ट फ्लोर इसमें 1 बेडरूम का पोर्शन आने वाला है। काफ़ी बड़ी कम चौड़ी स्टेयर्स मिलेगी, जो कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगी क्योंकि छोटा एरिया है। इस साइड से जो हम देखें तो हमने ओपन किचन प्रोवाइड किया है। अब इस ओपन किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 3.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 4.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके चूल्हे सिंक वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, स्लैब्स वगैरह इस साइड अपना। इस साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इसी के बराबर में देखें तो हमने वाश बेसिन का स्पेस भी प्रोवाइड किया, जिसमें इजली आप हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। काफ़ी बड़ा आपको एरिया मिलेगा। इसी के बराबर में आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया। इसी गेट से एंट्रू थी काफी बड़ा आपको ये बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड, सोफे वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, LCD वगैरह, जिसमें अपना इजली आप TV वगैरह देख पाएंगे। ये काफ़ी बड़ा आपको बेडरूम मिलेगा। इसी साइड अपने टाइल्स वगैरह आप लगा पाएंगे। इसमें आप चाहें तो 2-2 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलिंग पॉपरी सिलेट को एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बेडरूम से अटैच एक आपको टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा, जिसमें हमने 2.25 फीट का गेट लगाया। इसी गेट से एंट्रू थी काफी आपको एक टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 3 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 4.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपको टॉयलेट सीट, शावर्स वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे। इस साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। आप चाहें तो 7-7 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलन पपड़ी से लेट कोई एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 2 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।